नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्तमान आमर आरंभ होगा जाऊँगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रे आज मो सहित जोग देते आमर वरिष्ठ आदिवासी बीजेपी रो विधायक तथा भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चार राज्यर अध्यक्ष नित्यानंद गंड महाशय एवं मो बामपटे अच्छा भारतीय जनता पार्टी आउ जन वरिष्ठ विधायक डॉक्टर मुकेश महालिंग महाशय। गत 14/11/2023 मसीह राज्य सरकार गोटे कैबिनेट बसीला एवं से कैबिनेट बैठक रे विभिन्न विभाग विभिन्न विषय आलोचना मध्य गोटाए स्वतंत्र भाव आदिवासी जमी को अण आदिवासी माने किणी पारिबे बंधक दे पारिबे ये कथा उपरे गोटे कैबिनेट रे निष्पत्ति हेइथिला। एठी मु कहिया पय चाहूची जे गत विधानसभा रे जेते बेले राज्य सरकार रो विभिन्न निष्पत्ति को आधार करी एवं राज्य रे गणतंत्र भुसुड़ी पड़ी सचिव बड़ ना मंत्री बड़ या को आधार करी जेते बेले विरोधी तरफ रु एक मुलतवी प्रस्ताव आसीथिला ताकू राज्य सरकार पलायन पंथी साजी आग्रह कर देथिले एवं तत्क्षणात माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा प्रदेश रो श्री नवीन पट्टनायक महाशय एक इंग्राजी रो नोट एक प्रेस बिबृति रे कथा रखिथिले एवं से कथा रे जहाँ जणा पड़ुथिला संपूर्ण भावरे भीतग्रस्त होइगिरी से तांकर बिबृति रे कहिथिले जे ओडिशा रे जो विरोधी दल अछंती समान होउछंती जन विरोधी अर्थात विरोधी दल जन विरोधी ये कथा कहिबार तात्पर्य कौन थिला हठात विधानसभा रे समस्त आचंबित होइथिले एणु विरोधी रो मुख्य भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाउछि एवं ये विरोधी दल रो विरोधी दल रे विधानसभा रे बसेया पई ओडिशार लोक माने तांकु स्वतंत्र भाव रे भोट देकर निर्वाचित करिकरी बसेइछन्ति लोकंकर समर्थन द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल रे बसीछि आ तांकु किभळी भाव रे माननीय मुख्यमंत्री निजे जनविरोधी कहिले एहा निश्चित भाव रे बहुत बड़ा गोटे ओडिशार जनसाधारण को आघात देइथिला एवं गत 14 तारीख रे जो कैबिनेट निष्पत्ति हला से निष्पत्ति रे जते बेले आदिवासी जमी को अण आदिवासी मानंकु शर्तमूलक भाव रे दिया जाई पारिबो ये कथा किभळी भाव रे राज्य सरकार तांको कैबिनेट रे गत 14 तारीख निष्पत्ति नेले ये बड़ आश्चर्यर कथा एथिरु जहाँ जना पड़ुछि जे वास्तव रे जो माननीय मुख्यमंत्री तांकर घोषणा रे कहिछन्ति जे आदिवासी मानंक पाई ये सरकार होउछन्ति आदिवासी मानंकर आदिवासी मानंकर द्वारा एवं आदिवासी मानंक पाई ये जो विभिन्न प्रकार होर्डिंग रे मारिकरी जेभळी भाव रे आज गोटाए प्रहसन चलेइछन्ति तार वास्तव प्रमाणित निजे माननीय मुख्यमंत्री जेतेबेले कैबिनेट रे बसिले संपूर्ण भाव रे आदिवासी को भूमिहीन करिवा पाई एक षड्यंत्र करिकरी ये निष्पत्ति नहींछंती जोटा कि संपूर्ण भाव रे राज्य सरकार जन विरोधी सहित निजे आदिवासी विरोधी हिसाब रे घोषणा मध्य करिछंती कैबिनेट निष्पत्ति माध्यम रे एणु मु कहिया पई एठी चाहूची जे जोठी आदिवासी मानंकर जमी को विभिन्न समय रे अण आदिवासी माने षड्यंत्र करी तांकर जमी को हड़प करिबा तांकर जमी को आपंकर किणा बिका करिबा बंधक रखिबा कथा बहुत दिन धरिकरी ये कथा चली फल
आदिवासी मानकर जमी संपूर्ण भाव अण आदिवासी माने दलाल माने नहीं जाऊथले एवं से दृष्टिकोण आपंकर ए आईन आज नुह आपंकर 1956 मसीह रेजुलेसन 2 ए आईन से दिन ठार पतन नहीं आसुची आदिवासी जमी को आपंकर सुरक्षित रखापी जमी को अण आदिवासी मानकु किंवा पूंजीपति मानकु न देबा एवं परवर्ती जो गोटे संशोधन आसी 2002 मसीह से गोटे निष्पत्ति निया जे आदिवासी जमी को केवल आदिवासी माने ही नहीं पारे एवं सर्वनिम्न आदिवासी मान जमी 5 एकर रहिबा दरकार जमी सुरक्षित रहिबा से भाई निष्पत्ति थिबा परिपेक्षी गत 14 तारीख रे ये जो निष्पत्ति राज्य सरकार कैबिनेट रे नेले ये सांविधानिक व्यवस्था परिसर भीतर को आसुना आर्टिकल 244 कहुची आदिवासी मान जमी को सुरक्षा पाई समानकर सेवा को सुरक्षा देवा पाई सेथिरे संपूर्ण भाव में मना करी एवं टीएससी रे ए कथा आलोचना जदि करा जीवा कथा ताहेले आपंकर ये प्रस्तावटी गवर्नर का पाख माध्यम रे पुनी केंद्र सरकार पाखु जीवा कथा किंतु गत 2 मास पूर्व गोटे टीएससी बसीला ट्राइबल आडभाइजरी कमिटी बसीला जो कमिटी रे माननीय मुख्यमंत्री निज अध्यक्ष अछंती से कमिटी रे आदिवासी जमी को अण आदिवासी मानकु हस्तांतर करिबा विषय आदौ आलोचना करा जाई नाही एवं विगत दिन मानक गत 5 वर्ष भीतर विधानसभा जिते आदिवासी विधायक अच्छा सामान तरफ विधानसभा कौन सी प्रस्ताव आणवा कौन सी विषय ए विषय को लेकर उपस्थापना करवा ए कथा नजीर आदौ ना एवं आउ गोटे कथा मुझे कहना चाहूँगी गत 1998 मसीह जितेबले एठी विधानसभा चलुला से समय रे आपंकर विधायक मानकर द्वारा सरकार पाखरे ए विषय गोटे आलोचना होता जे आदिवासी मानकर जमी को सुरक्षा देवाई कौन सी प्रकार अण आदिवासी को जिया जाई पारिब नाही बोली ए प्रस्ताव मध्य गोटे आलोचना होकर पारित होता एणुक ये निजे आज जी सरकार अच्छा विजु जनता दल एवं जनता दल जी कि तार पुराणा से माने निजे सेठी दाबी करते ये निष्पत्ति करते जे कौन सी प्रकार आदिवासी जमी को अण आदिवासी मानक हस्तांतर करना आई विजु जनता दल सरकार आज किभली भाव में हस्तांतर कर संपूर्ण भाव ये जमी को शर्तमूलक भाव उपजिलापाल पाखे अप्लाय कले से गोटे अनुमति पत्र देदेव अनुमति जदि 6 मास भर नदे ताल आपंकर 6 मास पर जिलापाल तार निष्पत्ति नहीं पारे यहाद्वारा सीधा सड़क भाव में जड़े सब कलेक्टर हूँ जड़े जिलापाल हूँ से अनुमति देवार कौन प्रतबंधक रहाफल कि भूमिहीन होगापी ए आदिवासी मान जो चक्रांत कराई पुनर्वार आउ थे संपूर्ण भाव में यहाँ आदिवासी विरोधी और आदिवासी माने जोटा पेशा हिसाब से चाष जमी को व्यवहार करते जमी को जदि से शिक्षा ना आपंकर रोग चिकित्सा करने ना एवं आपंकर जदि कौन सी निहाती अर्थ आवश्यकता है कन्या बहुत ना जदि से जमी को हस्तांतर करवा अणाजी बिक्री कर कौन सी प्रकार असुविधा रही जेहेतु दलाल माने राज्य सरकार दलय जो कुदीनता माने अछंती से माने या को दलाली करी अण आदिवासी को देवारे पूंजीपति मान को कराई देवारे किसी प्रतबंधक रही संपूर्ण आदिवासी मानकर जीवन जीविका ठप हो जीव से माने कौन सी प्रकार रे आउ रही पारे ना ताकर जीवन जीविका बंद हो जीव से परिप्रेक्षी रे एठी मु कहिबा पई चाहूची जे जते बले ए कथा उठिला सेते बले सारा ओडिसा रे आपनकर सोशल मीडिया रे एवं विभिन्न राजनैतिक संगठन एवं आपंकर सोशल संगठन माध्यम रे विरोधाभास आसला समस्त यहाँ प्रबल विरोध करले ये मो डाहपटे बसी आमर माननीय विधायक नित्यानंद गंड जे कि आदिवासी मोर्चार राज्य सभापति अच्छा से प्रेस मीट करले प्रेस मीट करी यहाँ प्रबल भाव में विरोध करले एवं अन्य बहु जगार जिते बड़े विरोध जोर आसला संगे संगे आपंकर पुट ऑन होल्ड ये शब्द को व्यवहार जेभरी भाव रे सरकार करिछंती को स्थगित रखिछंती किभरी भाव रे रखिले गोटे कथाटी कहा जाउछि जे आपंकर पब्लिक डोमेन को केबे मध्य कैबिनेट रो निष्पत्ति छड़ा जाए नाही ये कथा थिबा परिपेक्षी रे किभरी भाव रे जने राज्य सरकार आदिवासी
ଲୋକ ଯିଏକି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରିକିରି କେବଳ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ହୋଲ୍ଡ କଥାକୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ହୋଲ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି, ଏହାପରେ ପୁଣି ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରିବ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ କରିବ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଏଠି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କହୁଥିବା ଏ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ହୋଇଗଲେ ତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଛି। ଏଣୁ ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବ। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିବ। ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଜୋରଦାର ଏହାରି ଉପରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରକୁ ଅଚଳ କରି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରଖୁଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରବଳ ଦାବି କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।